अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड हम किसको कहते हैं साइंस में, स्पेशली हम बायो में? हम कहते हैं कि अ प्रोसीजर विच इज़ अडॉप्टेड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इन अ स्टेप बाय स्टेप वे। तो बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी प्रोसेस के बारे में, फिर हम उसके ऊपर एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देते हैं जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। देन हम डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट जब टेस्ट होके प्रूफ हो जाता है वो थ्योरी बन जाता है, और जब थ्योरी प्रूफ होती है तो वो लॉ में कन्वर्ट हो जाती है। अब सबसे पहले अगर हम इनको डिटेल वाइज देखें कि ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ऑब्जर्वेशन को हम इस तरह से डिवाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन आफ्टर डिटरमिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसमें हम डिफरेंट जो हमारे पास सेंसेस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम हेयर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल एंड टच कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन बेसिकली वो चीज़ है जिसको हम लोग खुद ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर, या किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी प्रोसेस के बारे में। वो चीज़ जिसको हम खुद ऑब्ज़र्व करते हैं, खुद देखते हैं, उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन दो तरह का हो सकता है, ये क्वांटिटेटिव हो सकता है और क्वालिटेटिव हो सकता है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मीन्स क्वांटिटी के साथ जो डील करते हैं, यानी कि वो ऑब्जर्वेशन जिनके अंदर हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, हम डिजिट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। लाइक हम कहते हैं दीज आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। फॉर एग्जांपल, वेट हमें पता होता है किसी भी चीज़ के बारे में कि उसका वेट कितना है। हाइट के बारे में हम बता सकते हैं कि किसी भी पर्सन की फॉर एग्जांपल हाइट कितनी है। तो इट इज़ मोर एक्यूरेट बिकॉज वी कैन मेजर इट। हम इसको नंबर्स में जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, और ये मोर क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड वन। उसके बाद दूसरा ऑब्जर्वेशन होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं जिसके अंदर डिजिट्स इन्वॉल्व नहीं होते, जस्ट ये बताया होता है कि ये चीज़ कैसी है या फिर ये कैसी दिखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं कि हीट एंड कोल्ड। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि हीट जो है वो किस वे में है, कितनी अमाउंट में है, कोल्ड जो है उसका पैरामीटर्स कितने हैं। तो क्वालिटेटिव के अंदर हम क्वालिटी को इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि वाइट और ब्लैक हम कह सकते हैं, टॉल और ड्वार्फ कह सकते हैं, हीट और कोल्ड कह सकते हैं। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन मीन्स जो कि क्वालिटी के साथ डील करते हैं, एंड दे आर लेस एक्यूरेट एंड दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास स्टेप आता है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? लॉजिकल स्टेटमेंट गिवन बाय द साइंटिस्ट रिलेटेड विद बैकग्राउंड नॉलेज एंड प्रायर एक्सपीरियंस। हम कहते हैं कि जितने भी पहले काम हो चुका होता है, जब हम उसको अपने मॉडर्न काम के साथ रिलेट करते हैं, जिसके जो कि हमारा एक्चुअली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के अंदर हम एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देते हैं ऑब्जर्वेशन के हवाले से, जो हमारी लॉजिकल स्टेटमेंट होती है। उसमें हम दो चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, एक हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग है और सेकंड हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग है। डिडक्टिव रीजनिंग जो है ये मूव करती है फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि अगर तमाम बर्ड्स जो हैं उनके विंग्स होते हैं और स्पैरोज़ जो हैं वो बर्ड्स हैं, तो स्पैरोज़ के भी विंग्स होने चाहिए। फिर हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग जो कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करती है। उसमें क्या होता है कि अगर स्पैरोज़ के विंग्स हैं तो जितने भी बर्ड्स हैं उनके विंग्स होने चाहिए। इसी तरह से हम कहते हैं अगर ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो अगर हम ग्रीन प्लांट्स को डार्क में रखें, डार्कनेस में रखें, तो वो ग्लूकोज को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये दो प्रोसेस जब हम यूज़ करते हैं तब हमारा हाइपोथेसिस कंप्लीट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिडक्शन। डिडक्शन हम कहते हैं जिसके अंदर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लेते हैं और उसको वाइजली टेस्ट करते हैं, और उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं। वो कंक्लूजन डिडक्शन होता है, यानी कि लॉजिकल एंड वाइज कंक्लूजन ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड एज डिडक्शन। लास्ट में हमारे पास है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ये सीरीज़ होती हैं जिसके अंदर हम किसी भी प्रोसेस को टेस्ट करते हैं। प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन होती है, हाइपोथेसिस को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। उसके बाद जैसे ही एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होकर ट्रू साबित होता है, तो साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस जो है वो इन्हेंस होता है। और उसके अलावा जब टेस्ट को रिपीट में परफॉर्म किया जाए और उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आएँ, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक्सेप्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, थीरी की हमारे पास दो एग्ज़ाम्पल्स है, सेल थीरी एंड एवोल्यूशनरी थीरी।
उसके बाद साइंटिफिक लॉ है एंड पे यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट लॉ ऑफ नेचर को हम साइंटिफिक लॉ कहते हैं, जिसमें कोई भी रद्दबदल नहीं किया जा सकता, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जो कि इरिफ्यूटेबल होता है। अगर थीरी को हम अगेन एंड अगेन टेस्ट करें तो उसे हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक लॉ है। इसकी दो एग्जाम्पल्स मेनली हैं हार्डी वेनबर्गला एंड मेंडेस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने बायोलॉजिकल मेथड को देखा, वो मेथड जिनको हम किसी भी प्रॉब्लम को बायोलॉजी में सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसके अंदर हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस के बाद हम डिडक्शन देते हैं, डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट होता है, थ्योरी एंड लॉ में चेंज हो जाती है और लॉ को फिर फाइनली आर्टिकल्स की फॉर्म में पब्लिश कर दिया जाता है या फिर जर्नल्स के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप सो कि आपको ये अच्छा लगा होगा। मोर वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।